3 माइनस 0 होल स्क्वायर आंसर विल बी 3 स्क्वायर. दोनों को सिंप्लीफाई करें, 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, आंसर इज 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो डी बी की जो लेंथ आ रही है ना बेसिकली वो 5 के इक्वल आ रही है. अब आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब आपने ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो 3 था और ए डी डिस्टेंस 4 के इक्वल था. ठीक है, और डी बी आपने अभी फाइंड आउट कर लिया 5 के इक्वल. तो अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो बेसिकली यहाँ पे डी बी या बी डी का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए बी होल स्क्वायर प्लस ए डी होल स्क्वायर के. मीन्स यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए. तो अब आप चेक कर सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या आ रहा है, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9. तो बेसिकली सिंपलीफाई करने से आप देख सकते हैं 25 इक्वल्स 25 आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, हेंस जो एंगल है ए डी ए बी, ठीक है, मेजरमेंट एंगल डी ए बी वो 90 डिग्री के इक्वल है. अगर एक एंगल यहाँ पे 90 आ रहा है ना तो कंफर्म है बाकी सारे एंगल भी 90 के इक्वल ही होंगे. ठीक है, तो आप लास्ट पे लिख सकते हैं कि जो आपको चार पॉइंट्स गिवन थे ए बी सी एंड डी फॉर्म रेक्टेंगल. ठीक है, एक तो प्रोसीजर ये था जिसके थ्रू आपने प्रॉपर इसको सॉल्व किया. अब हम ऐसा करते हैं, एक और मेथड इसमें सेकंड मेथड यूज करते हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे कि उस कंडीशन के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि ये शेप आपके पास रेक्टेंगल आ रही है. और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उन सब पॉइंट्स को अगेन कंसिडर करते हैं. ए इज दिस, बी इज माइनस टू एंड थ्री, सी इज टू एंड थ्री, एंड डी पॉइंट इज 20. ठीक है, और आपने इन सब पॉइंट्स को यूज करके बेसिकली अगेन चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं. ठीक है, तो रेक्टेंगल में अब हम देखते हैं कि अगर हम 90 वाली कंडीशन को वेरीफाई ना करें, डायगनल्स को इक्वल कर दें, तब भी आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं ए बी लेंथ फाइंड आउट करते हैं. ए बी लेंथ के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को यूज करें तो बेसिकली माइनस टू प्लस टू होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर, आंसर विल बी 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9. तो आंसर में स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर 3 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब आप ऐसा करें बी सी फाइंड आउट करें तो बी सी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का आपको यूज करने हैं तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर आपके पास 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे बी सी के बाद प्रॉपर सी डी फाइंड आउट करना है. तो ठीक है, सी डी के लिए ना आप सी और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज करें तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए ना हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज कर रहे हैं. 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज बेसिकली 0 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का जो आंसर है वो 3 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं डी ए लेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो डी ए के लिए आपको बेसिकली जो डी और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करने हैं तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, 2 प्लस 2 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 0 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स 4. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ना तो बेसिकली ए बी लेंथ और सी डी लेंथ ये दोनों 3 के इक्वल आ रही है. ठीक है, यहां से कंपेयर कर लें ए बी लेंथ और सी डी लेंथ ये दोनों 3 के इक्वल आ रही है. अगर ये दोनों 3 के इक्वल हैं और उसके अलावा जो बाकी दो साइड्स आ रही हैं जैसे बी सी और डी ए हैं वो दोनों 4 के इक्वल आ रही हैं. ठीक है, तो दो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है ना, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल बन सकती है जब इसमें डायगनल्स भी इक्वल हों. ठीक है, अगर आपने डायगनल्स इक्वल करने की कंडीशन प्रूव करनी है ना तो बेसिकली हम क्या कर, ये जो चार आपको पॉइंट्स गिवन है उन चार को आप ए बी सी डी, ठीक है, ये चार पॉइंट्स गिवन थे. ए के कोऑर्डिनेट्स आपको माइनस टू जीरो गिवन थे, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस टू एंड थ्री, और सी के कोऑर्डिनेट आपको टू थ्री गिवन है, और डी के कोऑर्डिनेट आपको टू जीरो गिवन है. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, बी डी फाइंड आउट करना है. बी डी इसमें डायगनल है ना, तो अगर बी डी डायगनल है ना तो बी डी में जरा डिस्टेंस फाइंड आउट करें. तो बी डी डिस्टेंस के लिए आप 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर लें. ठीक है, तो बेसिकली जो आंसर है वो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन है 3. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें 16 प्लस 9 आ रहा है, 16 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25. तो बी डी की जो लेंथ है ना आफ्टर
टेकिंग स्क्वायर रूट आंसर 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा करें, बीडी के अलावा ये दो पॉइंट्स पहले कंसिडर करे थे ना, ये डायगनल थे, अब सी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो सी ए डिस्टेंस में आप चेक करें कि सी और ए में मेजरमेंट में -2 -2 स्क्वायर एंड 3 -0 स्क्वायर, ठीक है, या 0 -3 स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर आंसर विल बी 16 + 9 16 + 9 √25 √25 का जो आंसर है वो आपके पास 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए और बी डी दोनों डायगनल थे और डायगनल्स की लेंथ इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक आप मार्क कर दें फॉर डायगनल्स, ठीक है। लास्ट में हम लिखते हैं एज डायगनल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर डायगनल्स इक्वल है ना, हेंस शेप इज रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के डायगनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, दो टेक्निक से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट वन इज, अगर आपके पास कोई सी रेक्टेंगल आपको गिवन है, ए बी सी डी इन जनरल अगर हम ले लेते हैं, तो उसके लिए आप दो टेक्निक यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहली टेक्निक ये है कि आप क्या करें, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ए बी और सी डी इक्वल होने चाहिए और इसी तरह बी सी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, तो फर्स्ट कंडीशन ये बता रही है कि ये इक्वल हो सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे ईच एंगल 90 हो, ठीक है। ईच एंगल 90 के लिए ना, एंगल 90 के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर सकते हैं। आप इसमें एक डायगनल ड्रॉ करें, डेट इज डी बी। डी बी ड्रॉ करने के बाद डी बी के स्केयर को चेक कर लें कि अगर वो ए बी स्केयर प्लस ए डी स्केयर के इक्वल आ रहा है तो बेसिकली ये रेक्टेंगल होगी, ठीक है। तो मतलब इन दोनों कंडीशंस को आपने चेक करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने सेकंड मेथड से करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने चार की चार साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेम है कि ए बी सी डी और बी सी और ए डी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद ना, फिर आपने डायगनल्स की कंडीशन देखनी है, ठीक है। फॉर डायगनल्स के लिए आपने डायगनल्स की लेंथ देखनी है। एक डायगनल डी बी है और दूसरा डायगनल ए सी है, ठीक है। इफ डायगनल्स आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी भी टेक्निक से सॉल्व करते हैं तो वो करेक्ट होगा। जो आपको इजी लगता है आप उसको अप्लाई करके चेक कर लें कि जो चार पॉइंट्स आपको गिवन है वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होगी।